गाजियाबाद वकील मर्डर केस का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बाइक पर सवार होकर जाते नजर आ रहे हैं बदमाश। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में मर्डर हुआ है। अब सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। चैम्बर में घुसकर अपराधियों ने वकील को गोली मारी थी और उसके बाद वहां से जाते हुए ये देखिए, ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं आरोपी किस तरीके से वकील की हत्या करने के बाद वहां से जाते हुए ये आरोपी नजर आ रहे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अनुज इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या अपडेट पूरे मामले में फिलहाल? मिल रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल, एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस के हाथ लगी है, जिसके बाद पुलिस निश्चित तौर पर इन दोनों बदमाशों की तलाश कर रही है। इस सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर देखने पता चलता है कि किस तरीके से इन दोनों ने बाकायदा अपना चेहरा ढक रखा था। बहरहाल अभी इस बात की जांच की जा रही है कि क्या ये वही दोनों थे जो इसी चैम्बर नंबर 95 में पहुंचते हैं और उसके बाद मनोज चौधरी पर फायरिंग करते हैं। फिलहाल इस चीज की जांच की जा रही है, लेकिन तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे, यही चैम्बर नंबर 95 है जिसमें 2 बजे के करीब जब मनोज चौधरी यहां पर खाना खा रहे थे अपने एक साथी के साथ, उसी वक्त 2 बदमाश यहां पर पहुंचते हैं, मनोज चौधरी पर फायरिंग करते हैं और उसके बाद, चूंकि अगर गलियां देखें तो तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से गलियां बेहद सकरी हैं और इन्हीं सकरी गलियों का फायदा उठाते हुए ये दोनों बदमाश यहां से फरार हो जाते हैं। जाहिर तौर पर शुरुआती जांच के बाद पुलिस का ये कहना है कि निश्चित तौर पर इन बदमाशों ने पहले से रैकी की होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये चैम्बर नंबर 95 में पहुंचते हैं, फायरिंग करते हैं और उसके बाद यहां से फरार हो जाते हैं, ऐसे में जाहिर तौर पर इन्होंने रैकी की होगी और उसके बाद वारदात को अंजाम देकर ये यहां से फरार हो जाते हैं। फिलहाल मामले की तफ्तीश की जा रही है, लेकिन सवाल यही उठता है जिस तरीके से तहसील के अंदर 2 बदमाश घुसते हैं, मनोज चौधरी पर फायरिंग करते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं, निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी है और यही सवाल जो यहाँ पे वकील है वो भी उठा रहे हैं। फिलहाल पुलिस की टीम जो है वो मौके पे मौजूद है, लगातार मामले की तफ्तीश की जा रही है। FSL की टीम जो है वो भी मौके पे पहुंची थी और तमाम सबूत जो है वो यहाँ से इकट्ठा किए गए थे। साथ ही साथ ये पता लगाने की कवायद की जा रही है कि आखिरकार इस कत्ल के पीछे की वजह क्या थी, क्या कोई आपसी रंजिश थी या इसके पीछे कोई साजिश थी। फिलहाल इन तमाम चीजों के बारे में जांच की जा रही है, पुलिस की टीम जो है पूरी तरीके से मौके पे मौजूद है, लेकिन 2 बजे के करीब ये बदमाश जो हैं, 2 बदमाश यहाँ पहुंचते हैं और कत्ल की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज मिली है उसके जरिए पहचान करने की कवायद की जा रही है, लेकिन इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या जो फुटेज में जो 2 संदिग्ध दिखते हैं, क्या उन्हीं ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल इस चीज की जांच की जा रही है। जी जो है वो अनुज अभी फिलहाल यहाँ पर जा रही है, देखना होगा कि कितनी जल्दी ये जो आरोपी हैं, ये हत्यारे हैं, वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।